आपको वो चीज बता रहा हूँ जिससे आप अपने बिजनेस में एक फॉर्म बनाने के बाद सोशल मीडिया से ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, उनकी इंफॉर्मेशन बुलवा सकते हो। तो ऐसे कार्य के लिए, इस टाइप के वर्क के लिए हमें बनाना पड़ता है गूगल फॉर्म, और उस गूगल फॉर्म के ऊपर ऑटोमेटिकली जो लीड्स जनरेट होगी वो आपके एक्सेल की एक सीट के ऊपर ऑटो जनरेट होगी। आपको अलग से डेटा को स्टोर करके या लिख कर रखने की जरूरत नहीं है। तो चलते हम लोग किस तरीके से गूगल फॉर्म को डिजाइन करते। सबसे पहले आप अपना मेल आईडी लॉगिन करें। जब आप अपना मेल आईडी लॉगिन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इस तरीके की बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना है फॉर्म के ऊपर। जब आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट कंपनी की तरफ से दी गई है। यहां से रेडीमेड टेम्पलेट की अलग अलग गैलरी दी गई किस तरीके से किस कार्य के लिए आपको चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें आप अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, इवेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, और हर काम के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि मुझे अपना ही खुद बनाना है या कुछ रेडीमेड में से कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करके रखना है, तो देखिए हम यहां पर लेते एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म बनाएंगे। तो आप क्लिक करिए पर्सनल पर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म। मैं यहां पर यह चाहता हूं कि एक फॉर्म बनाना चाहता हूं कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। अब हम यहां पर जा रहे हैं, हमें यहां पर एक बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखना है फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने यहां पर लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस टाइप का एक फॉर्म हमने जो भी, ये देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम पढ़ाए बने आएंगे यहां पर क्वेश्चंस के लिए। जो क्वेश्चन मुझे सभी लोगों को भेजना है जिसे पढ़कर व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन हमें भेज सके, तो आपको करना क्या है यहां पर, किसी भी चीज पे कुछ अभी नहीं करना। कुछ चीजें जो लगेगी मैं बताते जाऊंगा। मुझे चाहिए स्टूडेंट का नाम जिसे वो यहां पर लिखेगा, ये रेडीमेड आ गया। ईमेल एड्रेस जो लिख कर देगा वो यहां पर लिख देगा। अगर हम उससे एड्रेस लिखवाना चाहें लॉन्ग टर्म में, ये भी कर देगा, ये भी रेडीमेड आ गया। अगर मुझे फोन नंबर चाहिए वो भी मैं ले सकता हूं। इसके बाद हम चलते कमेंट। अगर कमेंट वाले कॉलम में हम लोग जाते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूं, या फिर मुझे कुछ नया पॉइंटर ऐड करना है, कोई नया क्वेश्चन ऐड करना है। मैं स्टूडेंट से या व्यक्ति से यह पूछवाना चाहता हूं कि उसका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अब ऑप्शन देना चाहता हूं तो मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा। यहां देखिए चेकबॉक्स देना है बीए बीकॉम बीएससी, वो दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, ड्रेप डाउन बटन दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर मतलब इस टाइप से, अगर मुझे यहां पर कोई ड्रॉप डाउन बटन की जरूरत है या पैराग्राफ लिखना है तो लॉन्ग लेटर आ जाएगा। वाई दी वे मुझे यहां पर चेक बॉक्स रखना है तो यहां पर बीए बीकॉम बीएससी जो जो ऐड करना है करते जाएंगे। अगर मैं यहां पर क्लिक करना चाहता हूं ड्रॉप डाउन तो ऑप्शनल बटन आ जाएगी। कोई फाइल अपलोड कर दिया, कोई लीनर वगैरह देना है, चेक बॉक्स देना है, डेट टाइम देना है, आपको जो लगे। अगर आप ये चाहते हो कि यहां पर ऑप्शन आए, यहां पर लिख दिया 10th, ऐड कर दिया 12th, यहां पर हमने क्लिक कर दिया जिस जो भी उसका एजुकेशन होगा ग्रेजुएट, और एक और हमने यहां ले लिया पोस्ट ग्रेजुएट। इस तरीके से हमने ऑप्शन दे दिए। तो ये चीज जो होती ना, ये हम जो हम रखना चाहें वो रख सकते हैं।
अब मुझे जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, कोई चीज की डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट बटन दबा दीजिए, यही ये सेम रिपीट हो जाएगा। कोई चीज को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। यहां पर और मोर ऑप्शन रिक्वायर्ड है तो उनको भी आप यहां ऐड कर सकते हैं। अगर और आगे कुछ रखना चाहते हैं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन देना, रिस्पॉन्स वैलिडेशन देना या और भी दे सकते हैं। अगर हमको यहां पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन देना है तो रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, अगर कट करना है तो कट करके। अभी हम लोग एक बेसिक इंफॉर्मेशन का एक मैंने फॉर्म बनाया, जो कि मैं अपने कोचिंग के लिए या अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक फॉर्म में ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, जिसे स्टूडेंट भरकर आपको कंफर्म करा देगा। तो हम उसका बाद में फीडबैक लेने के भी काम आएगा, उसको कॉलिंग करने के लिए भी काम आएगा, अगर हम उसको कोई लीड जनरेट करने से रिलेटेड हमारा पूरा वर्क हो जाएगा। तो मैंने इतनी सारी चीजें जनरेट करी, अगर हमें और भी चीजों की जरूरत पड़े जब भी कोई चीज करे तो आप इस मेन्यू का यूज कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन, इंपोर्ट क्वेश्चन रेडीमेड भी ले सकते हैं। अगर आपको टाइटल देना है तो टाइटल भी दे सकते हैं, इमेज देना है अगर आपके पास कोई इमेज है, फोटो है, वेबकैम से लेना है तो आप यहां से भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज कंप्यूटर में रखी है तो। और उसी के साथ में अगर आपको कोई वीडियो देना है तो वीडियो भी चला सकते हैं। चूंकि हमें ज्यादा चीजें नहीं देना है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर स्टूडेंट अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता है, अगर आप उसे ज्यादा से ज्यादा चीज देंगे तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन भर के आपको नहीं भी दे। एक तरीके से ये फॉर्म को आप प्रॉपर रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद आप रिस्पॉन्स बटन दबाइए। रिस्पॉन्स बटन दबाने के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिए, ऑटोमेटिकली यहां पर हमने लिंक लिया, ये लिंक बटन दिया, और लिंक में क्या करेंगे, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट। मैं चाहूंगा कि जितने लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उतने लोगों को यहां पर लीड ऑटोमेटिकली जनरेट होते चले जाएगी। हम कैसे करेंगे, हमने यहां पर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमारी एक डेटा शीट अपने आप बन जाएगी। अब देखिएगा, मैं आपको उस डेटा शीट के थ्रू जो लिंक आएगी, ये मेरी एक्सेल की शीट बन के तैयार है। अब देखिए, मैंने अभी कोई डेटा नहीं डाला। अब हम गूगल फॉर्म पे जाते हैं, इस सेटिंग पर जाएंगे, यहां पर मिलेगी आपको सेटिंग। सेटिंग के अंदर आप जैसे जाएंगे, आप क्या चाहते हो पहले यहां पर समझ लेते हैं। हम सेटिंग पे जाएंगे, क्यूज बना रहे या जो भी हमें देना है, ये सब चीजें और भी ले सकते हैं। अब जो मैंने सेटिंग करी है या जो क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चन को मैं भेजना चाहता हूं हर स्टूडेंट के लिंक पे, और जो लिंक को फुलफिल करके जो डेटा डाल के देगा वो मुझे एक्सेल की शीट में दिखाई देगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, सेंड किया। अब मेरे पास सेंड करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या आप अपनी लिंक को ईमेल करेंगे तो मल्टीपल लोगों को ईमेल कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं, अगर लिंक भेजना चाहते हैं, यही आपको यूज करना है। सारे टीचर, सारे लोग, सारे स्टूडेंट समझ लीजिए, ये लिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। इस लिंक को आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इस लिंक को सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम भेजेंगे, और ग्रुप में भेजने के बाद आप देखेंगे जो डेटा फेल होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट के अंदर आ जाएगा। तो चलते हम लोग इसकी लिंक को पहले मेल करेंगे, और मेल करने के बाद हम उसी लिंक को यूज करेंगे, डेटा फुलफिल करके देखेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अभी हमने जो लिंक बनाई थी वो हम व्हाट्सएप के उस पर्टिकुलर पर्सन को भी, और चाहे तो उसे आप अपने स्टेटस भी बना सकते हैं। ये हमारी लिंक आ गई। अब क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट को हमने लिंक दी है, अब देखिए वो एक स्टूडेंट क्या करेगा, उस डिटेल को भर के हमें भेजेगा। मान लीजिए उस स्टूडेंट के पास ये फॉर्म गया, अब लाइव आपके पास देखिएगा, अब स्टूडेंट ने क्या करा, अपनी बेसिक डिटेल डालने के बाद यहां दी, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिट करते से ही आपके पास ये डेटा आ गया। अब आप देखिए, आपको मैंने लाइव ये प्रैक्टिकल दिखाया कि एक व्यक्ति ने 3:13 पर इस नाम से अपना पूरा डेटा फिल किया। इस तरीके से ये जो लिंक आपने जितने भी लोगों को भेजी है
वो लोग जैसे जैसे फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल डालते जाएंगे यहां पर आते जाएगा। इस तरीके से आप अगर चाहें तो एग्जाम के हिसाब से आप मेल भी कर सकते हैं, एचटीएमएल में भी दे सकते हैं, फॉर्म भी बना सकते हैं। बट जो लोगों को प्रोग्रामिंग भी नहीं आती और कुछ नहीं आता, वो लोग सिर्फ सिंपल फॉर्म बनाकर ये चीज अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन बना के एग्जाम भी ले सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक बहुत इजी तरीके से अपना गूगल फॉर्म बनाने के बाद, अगर आप यहां चाहें तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी लीड जनरेट कर सकते हैं। चाहे आपका कोर्स जो भी होगा वो भी हो जाएगा। हमारे जो भी डिटेल डाली गई थी व्यक्ति की, उसका रिस्पांस भी आपके सामने आ गया, उसने क्या डिटेल डाली वो भी आ गई, साथ में हमारे पास क्वेश्चन जो दिए थे वो, और हर एक चीज हमारे पास जनरेट हो जाएगी, हमारी यहां पर भी आ जाएगी। और डिटेल हमारी इस क्वेश्चन पे हमने जो किया था एक व्यक्ति ने भर के दे दिया, इसे हर एक व्यक्ति की हम एक 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 इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते।